हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं, क्या बच्चों में राइनोप्लास्टी सर्जरी पॉसिबल है? क्या बच्चों में राइनोप्लास्टी सर्जरी कर सकते हैं? बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोस का आपको घर बैठे नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, क्या बच्चों में राइनोप्लास्टी सर्जरी पॉसिबल है? दोस्तों, बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, हर आदमी को सुंदर दिखने की चाहत है। पता है आपको, हर आदमी चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। ऐसा मत मानो कि बच्चों में नहीं, बच्चों में भी अच्छा लगता है। बच्चे जब तैयार होके जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि सब उनको देखें, वो एक सुंदर दिखें। दोस्तों, अगर किसी की नोज के अंदर विकृति है और उस विकृति के कारण हमें जो है वो बाहर विजिबल है, अब इस विकृति के कारण हमें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी है, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट है। जैसे राइनोप्लास्टी सर्जरी से नोज के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। अब बात कर सकते हैं कि बच्चा अगर दोस्तों है, और बच्चे में क्या है कि जो विकृति है, उस विकृति के कारण अगर बच्चे को, क्योंकि उसका जो लुक है, कॉस्मेटिक तो प्रॉब्लम सबको दिख रहा है, बट अगर उस विकृति के कारण बच्चे को नेजल ब्लॉकेज है एब्सोल्यूट, उससे बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस बच्चे को हम राइनोप्लास्टी पीडियाट्रिक एज में भी कर सकते हैं। अगर वो 8 साल का है, अगर वो 7 साल का है या 9 साल का है, उस एज में भी राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर साहब, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसकी राइनोप्लास्टी सर्जरी कैसे करेंगे? दोस्तों, उसकी जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है, उसके अंदर जो उस सर्जरी करने का उद्देश्य है और उसका नोज का जो मॉडिफिकेशन है, वो हमारा मेन जो कंसर्न है उसका ब्लॉकेज करेक्शन करना है, कि उस, क्योंकि उसका जो उस विकृति के कारण जो बच्चे का नेजल ब्लॉकेज है, उसके कारण अगर हम उसको 17 साल 18 साल तक वेट करेंगे तो बहुत सारे और भी दुष्परिणाम सहन करने होंगे। अब दूसरी कैटेगरी दोस्तों ये है कि सपोज करो नोज में विकृति है बट बच्चे को नेजल ब्लॉकेज नहीं है। अगर उसको नेजल ब्लॉकेज नहीं है, उसको नोज में आराम से ब्रीदिंग आ रहा है, तो दोस्तों हम कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं। क्या वो समय है? वो गर्ल्स में तो क्या है दोस्तों, 15 साल जब पीरियड्स आता है उसके बाद में ऑलमोस्ट नोज का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो 15 साल बात कर सकते हैं। बॉयज़ में 16 साल के बाद करीब करीब जो हमारे नोज का जो अंदर का जो डेवलपमेंट है वो पूरा हो जाता है, जो हम सर्जरी कर सकते हैं। बट यस, उस विकृति के कारण बच्चों में अगर जो है वो फंक्शनल ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें सर्जरी जो है उसकी करानी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छे राइनोप्लास्टी सर्जन के लिए एक रूल है कि अगर हम बच्चों में सर्जरी कर रहे हैं तो जो हमारी एबनॉर्मल एनाटोमी है, जो नाक की जो विकृति है, जब हम उसको ठीक करते हैं तो हमें नॉर्मल जो हमारा नोज है उसकी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नोज का जो है ग्रोथ पॉइंट होते हैं, डेवलपमेंट होता है, उसको हम नहीं छेड़ते और हमारा काम भी हो जाता है, नोज का डेवलपमेंट भी होता रहता है और बच्चे को दोस्तों उससे शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों से जो वो प्रताड़ित था उससे उसको फील जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो स्टडी अच्छी करता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। क्योंकि बच्चे हो, बड़े हो, दोस्तों आपको शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा है वो तो होती है, क्योंकि हर आदमी ऑब्जर्व करता है अपने नोज को। सो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि ये सेफ नहीं है दोस्तों, सेफ है। आजकल जो है पूरा जो मेडिकल डेवलपमेंट के कारण, इन्वेंट के कारण जो एनास्थीसिया है, जो चीज़ें हैं वो सारी, ना बच्चे को दर्द होता है ना बच्चे को इसमें पता लगता है, वो एनास्थीसिया में ये सारी प्रोसीजर होती है, जिससे बच्चा के जो दिमाग में जो उस नोज के रिगार्डिंग जो बैठा हुआ है वो उससे मुक्ति मिले। सो दोस्तों, देखा आपने कि रिगार्डिंग नोज विकृति हम पीडियाट्रिक एज में भी राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। एंड रियली दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। थैंक यू।